गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 256 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मरने वालों में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 वर्षीय 2 अधेड़ व्यक्ति और 1 44 वर्षीय महिला सहित लखनऊ में 48 वर्षीय 1 अधेड़ महिला शामिल है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,216 हो गई है। इनमें से 8,925 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 3,136 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 121 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 47 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 26, कोतवाली में 5, शाहपुर में 28, तिवारीपुर में 1, रामगढ़ताल में 8, गुलरिया में 3 और राजघाट में 3 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 100 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर में 4, भाटहट में 1, चरगावा में 12, गगहा में 5, खोराबार में 17, पाली में 5, पिपराइच में 1, पिपरौली में 2, सहजनवा में 7, सरदारनगर में 10, उरवा में 4, जंगल कौड़िया में 1, कौड़ीराम में 27, बांसगांव में 3, बढ़हलगंज में 3, कैंपियरगंज में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 26 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है।